वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टडी थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स। लास्ट टू पार्ट्स में हमने देखा था कि ब्रिक्स की शेप कैसी होती है, उसको कितनी फेजेस होती है। देन हमने जागृति स्कूल है मुर्शिदाबाद की, उसके उस स्कूल का पैटर्न देखा था, उस स्कूल में किस तरह से डिज़ाइंस बनाए हुए ब्रिक्स से, ये सब हमने देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ कुछ डिज़ाइन हमें दी हुई है, ट्री के पीछे की डिज़ाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में कुछ दिया हुआ है, वीटों से ट्रायंगल शेप दिया हुआ है। तो वो ट्रायंगल शेप को क्या बोलते हैं, आर्च। तो जैसे यहाँ पे ज़ूम करके हमें बताया हुआ है, तो ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, आर्च बोलते हैं। इस तरह का डिज़ाइन आपने कहीं पे देखा है? यस, आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पे ट्री है, ट्री को बॉर्डर दी हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है, उसमें देखिए इस तरह से है। ऐसा आपने गार्डन में देखा होगा, गार्डन में जो ट्रीज़ होते हैं उसको इसी तरह से बॉर्डर बनाते हैं। फिर आपने पुराने विलेज में जो हाउस होते हैं उसको वहाँ पे भी बाहर हाउस के बाहर कुछ बैठने के लिए कुछ ऐसे ओटा होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह से बॉर्डर बनाती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखा है कि यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा है, ये वाला, तो ये आपको पिक्चर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्ट दिया हुआ है इस तरह से, तो इस यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड कुछ कि विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व एजेस। जो ब्रिक्स होती है वो कर्व एजेस की होती है, तो ब्रिक्स तो कर्व एजेस की नहीं होती है, लेकिन उससे हम बना सकते हैं कर्व एजेस दे सकते, कर्व डिज़ाइन दे सकते हैं, पर ब्रिक्स होती है क्या कर्व? नो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। जो लॉन्ग ब्रिक्स दिख रही है यहाँ पे, जो यहाँ दिख रही है, फिर यहाँ पे दिख रही है, तो इसके कितने फेजेस आपको दिख रहे हैं? तो कोई ब्रिक्स के हमें टू फेजेस दिख रहे हैं, तो कुछ ब्रिक्स के हमें थ्री फेजेस दिख रहे हैं, तो किसी का वन भी दिख रहा है। देन थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी ब्रिक, यहाँ पे कोई ब्रिक है आपने देखी है, तो वो कितनी लॉन्ग होती है, वाइड कितनी होती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ब्रिक्स कितनी लॉन्ग होती है, ब्रिक्स होती है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ब्रिक। देन हाउ वाइड इट इज, वाइड कितनी होती है वो, तो 11 सेंटीमीटर वो वाइड होती है। लॉन्ग कितनी बोला है हमने कि 22, तो वाइड कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर वाइड होती है। देन नीचे है यहाँ पे और क्वेश्चन कि हाउ हाई इट इज, हाई कितनी होती है, उसकी हाइट कितनी होती है, तो हाइट कितनी होती है उसकी, 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर हाइट की जो होती है ब्रिक्स होती है, उसका पूरा आपको उसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट दी हुई है। देन क्वेश्चन है हमारा, मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। मुनिया को 1 मीटर की लाइन बनानी है, तो उसको कितनी ब्रिक्स लगेगी, तो मोर देन 4, 4 से ज़्यादा ईंटें उसको लगेगी, तब उसकी वॉल की लेंथ कितनी बनेगी, 1 मीटर की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मोर देन 4, ओके, मोर देन 4 ब्रिक्स। देन नेक्स्ट है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट विथ फ्रेश, तो गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। गणेश और साहिबा जो है वो कहाँ पे रहते हैं, किल्न के पास, किल्न मतलब जहाँ पे ब्रिक्स बनती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन है हमें, कैन यू गेस हाउ हाई इज़, कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर, इट इज़ चिमनी जो है उसकी, तो वो कितनी हाइट होगी उसकी, तो आंसर है उसका अबाउट 50 मीटर, अबाउट 50 मीटर हाई उसकी लेंथ है। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। गणेश एंड साहिबा किन के पास रहते थे, इसलिए उनको पता था कि ब्रिक्स किस तरह से बनती है, उसको ब्रिक्स के पैटर्न भी पता थे, उनको एक लाइन में ड्राई होने के लिए रखते, मतलब ब्रिक्स कैसे बनती है उनको पता था।
तो नीचे हमें कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें से हमें देखना है कि ब्रिक्स किस तरह से बनती है, और हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है वो जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो उसको देखकर। फिर आपको पता है कि इंडिया में कितनी ब्रिक्स क्लीन होती है? तो इंडिया में नियर अबाउट 100,000 ब्रिक्स क्लीन है। तो 100,000 का मतलब 1 लाख। आपको 1 लाख लिखना आता है, आता ही होगा, आप 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 1 लाख को कैसे लिखेंगे? चलिए हम लिखते हैं 1 लाख कैसे लिखेंगे। 1 और 1 पे कितने जीरोज होते हैं 1 लाख में? 5 जीरोज। 1, 2, 3, 4 और 5 जीरोज होते हैं, ठीक है, ये बन गए 1 लाख। फिर नेक्स्ट है, लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। आप यहाँ पे नीचे पिक्चर देखिए, फिर हम देखते हैं, पहले मैंने करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ए में क्या दिख रहा है आपको, पिक्चर्स है ब्रिक्स की, तो उसको सुखाने के लिए डाला हुआ है। दूसरे इसमें क्या है, वो जो ब्रिक्स का साँचा है जिसमें हम शेप देते हैं, उसमें से वो ब्रिक्स को निकाल रहा है शेप देने के बाद। फिर डी पिक्चर में क्या है कि डो है, उसको वो उस शेप साइज शेप का है, ब्रिक्स को शेप देने का मटे ये है, उसको क्या बोलेंगे आप, साचा, उसमें डाल रहे हैं। और सी में क्या दिख रहा है आपको, डो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम करेक्ट ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे। सी में देखिए पहले ये डो बनाया हुआ है, बना रहे हैं मिट्टी का, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट है ये, तो पहले डो बनाते होंगे। फिर इसने, इस इंसान ने देखिए डो है इसके हाथ में, उसको किस में डाल रहा है, इसके अंदर डाल रहा है, साचे के अंदर। तो ये हमारा सेकेंड पिक्चर हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट है सी, सेकेंड है डी। उसके बाद क्या करते हैं, इसको शेप दे दिया अच्छे से, उसके बाद बाहर निकाल रहा है उसमें से, तो ये हमारा है थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और उसके बाद ये सूखने के लिए बनकर तैयार हो गई, तो इसको सूखने के लिए डाल दिया। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है, सी डी बी एंड ए। तो हम यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसका, हमारा करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या है, सी डी बी एंड ए, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ओके। तो फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन हमें दिया था कि वन टाइम ट्रक में कितनी ब्रिक्स कैरी करते हैं, तो नियर अबाउट 10,000 ब्रिक्स वन टाइम में ट्रक कैरी करके ले जाता है। कितने? नियर अबाउट 10,000 ब्रिक्स, ओके। मेंटल मैथ्स, भजन बायज ब्रिक्स, भजन वेंट टू बाय ब्रिक, द प्राइज वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक, द प्राइजेस वेयर आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स। भजन ब्रिक्स लेने के लिए गया, तो उसको ब्रिक्स की प्राइजेस किस तरह से पता चली, 1,000 ब्रिक्स के हिसाब से उसको प्राइजेस पता चली, और अलग अलग ब्रिक्स की अलग अलग प्राइजेस थी। तो जैसे कि ओल्ड ब्रिक्स थी, ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस था 1,200। देन न्यू ब्रिक्स थी ईटापुर की, उसका प्राइस था 1,800। एंड ब्रिकाबाद की न्यू ब्रिक्स थी, उसका प्राइस था 2,000। तो भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो भजन डिसाइड किया कि ब्रिकाबाद की न्यू ब्रिक्स वो लेगा। ही बॉट 3,000 ब्रिक्स, उसने कितने थाउजेंड ब्रिक्स ली, 3,000। तो हाउ मच डिड ही पे, तो उसने कितने पे किए? तो यहाँ पे हम सब नीचे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि 1,000 ब्रिक्स का प्राइस कितना था, 2,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 2,000, फिर उसको कितने ब्रिक्स लेनी थी, 3,000, तो मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 300, 300, 300, 300, 3 2 6। तो उसने कितने पे किए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसने, भजन ने 6,000 रुपीज़ पे किए। कितने ब्रिक्स के लिए, 3,000 ब्रिक्स के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट है, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। तो ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना है, यहाँ पे देखिए ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1,200। तो उसने कितने ब्रिक्स ले, 5,000। तो 1,200 कितने ब्रिक्स का प्राइस था, 1,000 ब्रिक्स का। तो 1,000 के आधे कितने हुए, ये 5,000। तो फिर 1,200 का मतलब 1,200 का आधा कितना हो गया, 6,000। तो यहाँ पे आंसर में आएगा उसने कितने पे किए 5,000 के लिए, तो यहाँ पे उसने पे किए 600 रुपीज़, 600 रुपीज़, ओके।
यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय एंड वंदे मातरम।